देखिए तीसरा वीडियो बैक टू बैक है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये मैंने पहले भी बोल दिया था आपको, ओडीआई में कुछ होगा नहीं होगा तो बता दूंगा, कुछ नहीं हुआ मैंने कुछ बताया भी नहीं, ठीक है। टेस्ट में आखिरी टेस्ट मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था वहां पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था आपको अगर कुछ होगा तो उधर बता दूंगा, अब इसमें मेरे को कुछ बताना नहीं है। ये अपनी कैप्टनसी में लास्ट ईयर इंग्लैंड को हराए मैंने प्रेडिक्ट किया, इंडिया को हराए मैंने प्रेडिक्ट किया, साउथ अफ्रीका को हराए, ठीक है। तो लास्ट ईयर इन्होंने अपनी कैप्टनसी में तीन बड़ी टीम को हराया, ठीक है। हालांकि तीनों अपनी ही धरती पे था, इस साल वर्ल्ड कप भी है, इन्होंने सारे क्रिकेटर को अपने हिसाब से लिया है जो भी इनकी सिलेक्शन कमेटी है, इनका मैच है ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी से ही, मेरे हिसाब से मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा, आप तीनों मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ रहना, मोस्ट प्रोबेबली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने ओडीआई में नहीं बोला, टेस्ट में नहीं बोला, बहुत सारे मैचेस आए, बहुत सारे गए, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका वुमेंस का भी हुआ, वो भी मैंने पिक कर लिया अपना उधर में, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसमें मेरे को कुछ पिक नहीं करना, आप इनके साथ रहिएगा। लास्ट ईयर एक भी चैंपियनशिप नहीं, एक भी मैच नहीं हारे, एक भी टूर्नामेंट नहीं हारे ये, ठीक है। और इनको, मेरे को इनके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा है, इवन दो इस साल आईपीएल में भी इनको ले लिया गया, ठीक है। तो देखा जाएगा, अब मैं बताऊंगा क्या होगा, क्या हो सकता है, उस सारे के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ये सब तो मैच भाई दोपहर में इंडिया टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है, ये सबसे मेरे को फर्क पड़ता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल का एवरेज स्कोर मान के चलो 160-170 तक का टोटल आपको देखने मिलता है, ठीक है। अब पहले तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, पहले आप ये इंटेंट समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इस साल वर्ल्ड कप होने वाला T20 का, लास्ट ईयर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उसके पहले उन्होंने खेला है, ये भर भर के मार रहे हैं पहली बॉल से, मतलब अगर 180 का टोटल है तो ही दे आर नॉट गोइंग फॉर 20 ओवर, वो 16 ओवर में इसको चेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये इनका एक अप्रोच है जो आपको यहां भी देखने मिलेगा, तो आपको भर भर के ये मार के मिलेंगे, ठीक है। आप बॉल नॉट कर सकते हो, बॉल नॉट रनर्स कर सकते हो, सारी चीज आप अभी से समझ लो। ट्रेविस हेड आते ही मारेंगे, डेविड वार्नर है इनके, जॉस इंग्लिश, मैथ्यू वेड, सब क्रिकेटर एकदम टॉप क्लास है, सब अपनी ही धरती के क्रिकेटर हैं, ठीक है। मतलब उधर खेल रहे हैं आपको मालूम ही है, कोई भी क्रिकेटर कमजोर नहीं है, सब एकदम टॉप क्लास क्रिकेटर है, कुछ बोलना नहीं है, एक नंबर की इनकी टीम है, ठीक है। मेरे ख्याल से जेसन महेंद्रा वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर है जिनको उतना रिकॉग्निशन मिला नहीं, ठीक है। आईपीएल वाले भी उतना खिलाते नहीं, लेते जरूर हैं। अब देखिए अगर इनकी बात की जाए तो इनके पास देखो पूरा T20 की एकदम आप बोल सकते हो एकदम टॉप क्लास की टीम है, एक भी क्रिकेटर आप बोल सकते हो बेकार नहीं इन्होंने सेलेक्ट किए, सारे क्रिकेटर एकदम बढ़िया है। अंदर रसल की वापसी हुई है, इधर भी अच्छा भी खेले, रोमालियो सेफर्ट कोई भी मैच अपनी बैटिंग से जिता सकता है, ये चेस करेंगे तो इनको हराना बहुत मुश्किल ऐसा मेरा मानना है। सरफेन रदरफोर्ड परफॉर्म कर रहे हैं अभी IL T20 में, रोमन पॉल नीचे में आते हैं, हजारी जोसेफ के बाद भी हिटिंग कैपेबिलिटी है, गुदाकेश मोटी अपनी बॉलिंग से मैच जिता सकते हैं। खाली ये जो सिलेक्शन एकदम बेकार है, मेरे को ये बंदा एकदम 1% भी पसंद नहीं है, मैं इसको टेस्ट में देख सकता हूं पर बाकी जगह नहीं देख सकता है, पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, सेंसलेस है, पागल की तरह मराएगा मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अगर बॉलिंग वाइज देखा जाए तो गुदकेश मोटिया, अकेल हुसैन, अजारी जोसेफ, तीनों अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, बाकी ये जो एवरेज बॉलर हैं इनके वो सब करेंगे। और अगर बैटिंग वाइज की जाए तो आखिरी तक बैट्समैन, अगर मान लो ये सब नीचे ये हैं तो ये आपने देखा ही इंग्लैंड के खिलाफ जिस हिसाब से इनका प्रदर्शन था, तो मैं वही बोलूंगा पहली बैटिंग भी कर रहे हैं तो भी आप इनके साथ रहो, चेस कर रहे हैं तो भी आप इनके साथ रहो। हालांकि सबको मालूम है ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मेरा काम वो है ही नहीं, जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने मैंने बोला था आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये प्रेडिक्शन मैंने 15-20 दिन पहले ही बोल दी थी कि वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया का T20 अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी पर मैं रहूंगा और मैं वेस्ट इंडीज के साथ टूर्नामेंट में रहूंगा, भर भर के ये मार के मिलेंगे, सीधी सी बात है, आप ये देख लीजिएगा, इनका इंटेंट पहली बॉल से मारने का ही होगा। और वेस्ट इंडीज की बात, इनके पास बॉलिंग देखी जाए तो नेथन एलिस, जैम्पा, बेन ड्रॉफ, सब टॉप क्लास है, इसमें कोई नो डाउट है। इनकी तो एक पूरी चेस टीम है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जितना भी बनेगा ये बनाने के काबिल है, ठीक है। तो बस यही है, वेस्ट इंडीज हमारी टीम रहेगी, कुछ बताना है नहीं, कुछ ऐसा मेरे को कुछ बोलना नहीं है। 3 out of 3 आप वेस्ट इंडीज के साथ रहना, आपका काम मैक्सिमम केस में हो जाएगा, और अगर बहुत बड़ा कोई जयपुर भी मिलता है तो आपको इसी केस में मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं उधर अपने हिसाब से बताता रहूंगा, कुछ ज्यादा बताना नहीं है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मार के खेलेंगे, हालांकि आजकल कुछ दे नहीं रहा है, बॉल नॉट वगैरह उतना सही से दे नहीं रहा, बहुत कम भी खोल रहा, तो यही है, कुछ भी होगा तो बाकी मैं उधर बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ।